जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज माता भगवती और माँ भारती के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य संतों को सादर दंडवत प्रणाम। जो भी मुझे बाकी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें बहुत हृदय तल से विशेष आशीर्वाद। संत सुरक्षा मिशन, या पहले हम जाने कि संत सुरक्षा मिशन की चर्चा करें, उससे पहले स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज को साधुवाद कि उनकी ये सोच, उनकी ये कल्पना और इतने कम समय में, इतने पवित्र सोच का ये परिणाम देखिए, इतने कम समय में पूरे भारतवर्ष में एक काफी, एक बहुत बड़ा सशक्त टीम लगभग तैयार हो चुका है। यह जानने की आवश्यकता है कि संत सुरक्षा मिशन की गठन करने की इस प्रकार की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जिस प्रकार से एक शिक्षक के बिना एक विद्यालय नहीं हो सकता, चिकित्सक के बिना अस्पताल नहीं हो सकता, तो संतों के बिना मठ मंदिर कैसे होंगे, और मठ मंदिर नहीं होंगे तो हमारे भारत में या पूरे विश्व की बात करें तो हमारी सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा कैसे लहराता रहेगा। अत्यंत ही षड्यंत्र के तहत हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने की कुचेष्टा चल रही है, और ये काफी पुराने ढंग से। कहीं मंदिरें तोड़े जाते हैं, संतों के ऊपर उनका अपमान होता है, यहां तक फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियलों में एक सुंदर सी कथा चल रही होती है और जैसे ही किसी संत महात्मा, किसी पंडित की भूमिका यदि 5 मिनट के लिए भी है तो कहीं ना कहीं उसे एक जोकर की तरह और प्रस्तुत किया जाता है। यह चिंता की विषय है, यह बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है कि पंडित महात्मा को, ज्योतिषी को, संत महात्मा को कहीं ना कहीं एक उपहास और एक कॉमेडी की तरह उन्हें प्रस्तुत किया जाना एक चिंताजनक विषय है। हमारे भारतवर्ष, हमारा ये राष्ट्र पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता रहा है, सोने की चिड़िया भारत को। इसका मुख्य कारण रहा है हमारी आध्यात्मिकता और हमारे, यही हमारे धरोहर है। और आध्यात्मिकता को प्रहार करना, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी देश को नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट करने से वो देश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह एक कुचेष्टा जो चल रही है हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का, और कहीं ना कहीं इसका प्रयास देखेंगे, जिसका परिणाम हम देख सकते हैं कोई भी, कि हमारी सनातन संस्कृति कितना बदल गया है। भारत के नागरिकों को देखें, एक तो पूजा पाठ आध्यात्मिकता से काफी लोग दूर हो रहे हैं, और यहाँ की बोली चाली, परिधान, खान पान, जीवनचर्या, दिनचर्या सब कुछ बदल गया है, वो परिवेश बिल्कुल नहीं है। आज सनातन संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण करने के हेतु संतों की रक्षा करनी होगी। बड़े सौभाग्य है वो गृहस्थ लोग भी, जिन्हें संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो बड़े लालायित रहते हैं कि एक ग्राम के अंदर भी अगर एक संत चले जाते हैं तो एक बड़ी ऊर्जा बनती है। और संत स्वयं चलकर, हम गृहस्थों के बीच भी आए हैं, संतों के अलावा गृहस्थ से भी हम सेवा ले रहे हैं, और उन्हें बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि संतों की सेवा के साथ साथ वो राष्ट्र की सेवा, सनातन संस्कृति की सेवा करने के लिए अवसर मिला है। इसी कारण से हमारे अध्यक्ष महोदय राजेंद्र दास जी ने, उनकी कल्पना रही है कि हम गृहस्थों को भी लेके चले, युवतियों को भी लेके चले, युवकों को भी लेके चले, इनके अंदर एक ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का लाभ हमारे मिशन में मिलेगा। और निश्चित है कि जब हमारा मिशन यह मजबूत होगा, हम अपनी 11 सूत्री कार्यक्रम में काम करना प्रारंभ करेंगे या कर भी रहे हैं,
तो हमारा देश कहीं ना कहीं सुदृढ़ होगा, हमारी संस्कृति मजबूत होगी और पुनः हम भारत वर्ष हमारा विश्व गुरु की तरह विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होगा। इन सभी बातों को सभी को मनन करने की आवश्यकता है और बहुत ही, या वो संत हो या वो गृहस्थ हो, मिशन से जो भी जुड़ रहे हैं उन्हें एक बहुत ही सोच समझकर अच्छी और एक शांति के साथ इस कार्य को करने के लिए तत्परता के साथ सभी करें। मैं भी माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको बहुत बहुत शक्ति प्रदान करें, आप इस कार्य में बढ़ चढ़कर अपने आप को शामिल करें और देखेंगे कि ये बहुत ही पुनित कार्य आपसे होने जा रहा है और जब ये होगा पूरा देश का स्वरूप बदलेगा, एक इतिहास में, इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम अंकित होगा, ऐसी मेरी आशा है। इसी आशा के साथ मैं पुनः आशा व्यक्त करता हूँ कि सभी हमारे राष्ट्र को मजबूत करने में आप सबों का योगदान बहुत रहेगा और इसका परिणाम, इसका प्रतिफल आप देखेंगे और आने वाले जनरेशन भी देखेगा। इसी आशा के साथ पुनः जय श्री राम, वंदे मातरम।